नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिक्को दे गालो की रेसिपी, जिसे कि हम सालसा भी कहते हैं। और इजी लैंग्वेज में ये कचुंबर का ही एक रूप है। बहुत ही आसान तरीके से आज इसे हम बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने 4 टमाटर लिए हैं और इसे इस तरह से गैस पर सेक लेंगे। आप इसे रोटी सेकने वाले चिमटे से पकड़कर गैस पर घुमा लीजिए तो भी ये इजीली सिक जाते हैं। टमाटर को बिना सेके भी आप यूज़ कर सकते हो, पर बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसे इस तरह से सेकना ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2 से 3 मिनट में ही इसकी ऊपर की स्किन निकलने लग जाती है। बस इसे इस तरह से घुमाते जाए ताकि टमाटर चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो ये देखिए, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस तरह से टमाटर की स्किन जितनी भी निकलेगी निकाल लेंगे और जो स्किन नहीं निकलेगी उसे रहने देंगे और उसके बाद टमाटर को काट लेंगे। काटने के बाद टमाटर को चॉपर में चॉप कर लेंगे। आपके पास चॉपर ना हो तो फ्रेंड्स, आप मिक्सर जार में टमाटर को डालकर मिक्सर को रोक रोक कर चलाकर पीस लीजिए। लगातार मिक्सर को नहीं चलाना, वरना टमाटर की फाइन प्यूरी बन जाएगी। रोक रोक कर चलाने से टमाटर का स्ट्रक्चर हमें जैसा चाहिए वैसा ही मिलेगा, चॉपर सरीका। तो ये देखिए, टमाटर को हमने चॉप्ड कर लिया है। टमाटर को बाउल में डाल लेंगे और इसी चॉपर में अब हम प्याज को चॉप कर लेंगे। ये देखिए, 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी हमने और इसे भी चॉप्ड कर लिया। टमाटर के साथ ही प्याज को भी मिला देंगे। आप यदि फ्रेंड्स प्याज को हाथ से कट करें तो एकदम फाइन कट ही करें, क्योंकि सालसा में सब कुछ फाइन कट किया हुआ ही होता है। प्याज डालने के बाद हरी धनिया डाल देंगे। ढेर सारी हरी धनिया कट करके डाल देंगे। आपको यदि फ्रेंड्स हरी धनिया देसी वाली मिले तो वो ही ले। देसी धनिया का टेस्ट और खुशबू दोनों बहुत अच्छी आती है। और हरी धनिया के बाद एकदम फाइन कट की हुई हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। हरी मिर्च के बाद 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिला देंगे। 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरेगेनो और 1 छोटी चम्मच वाइट विनेगर मिला देंगे। आपके पास रेड विनेगर हो तो आप वो ही ले। विनेगर के बाद थोड़ा सा लेमन ऐड कर देंगे। हमने विनेगर भी ऐड करा है इसलिए लेमन जूस थोड़ा सा ही डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं 2 चम्मच टोमेटो केचप डाल रही हूँ फ्रेंड्स। आप ज़्यादा डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, आपकी चॉइस के हिसाब से। मिक्स कर लेंगे सबको अच्छे से और सालसा हमारा रेडी है। सालसा वैसे तो नाचोस के साथ खाया जाता है, पुलाव के साथ खाया जाता है, पर मुझे तो पर्सनली ये रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट के लिए।